माय चैनल में हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेशियल शेयर करने वाली हूँ। ये है ब्लीच फेशियल पे फ्रेंड्स, और ये फेशियल बहुत ही अच्छा है। इसके 4 स्टेप्स हैं और ये आपको टाइम लगेगा आपको 24 मिनट्स या 25, मतलब अगर आप अच्छे से कोई भी फेशियल करते हो तो आधा घंटा तो लगता ही है, 30 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। और अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा टाइम तो लगना ही चाहिए, क्योंकि फेशियल करना है और ये वाला फेशियल है तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। और अभी चल रहा है रेनी सीजन में भी फेशियल करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन अच्छा बिहेव नहीं करती है इस समय। कभी चिपचिपी होती है, कभी ड्राई हो जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। इम्यूनिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा चेंज, वेदर चेंज हो जाता है हर समय। कभी धूप निकलती है, कभी बारिश का सीजन हो जाता है, तो कुछ भी ऐसा हो जाता है कि चेंज आपके बॉडी पर भी होते हैं। तो इस वजह से तो मैंने अभी फेस पर थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाई थी, तो मैं अभी सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करूँगी फ्रेंड्स। अगर उस पहले आपको ये बता देती हूँ, अगर ये फेशियल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और जब आप देख लें तो शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे आपको। और दूसरों को बताइए कि एक फेशियल ऐसा है, तो फैमिली मेम्बर्स को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, तो शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। रेड कलर का बटन होता है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास बेल आइकन आएगा, बेल आइकन जरूर जरूर हिट करिएगा। जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले सबसे पहले फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो में लेंथी नहीं बनाना चाहती हूँ, छोटे सा ही बनाना चाहती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे और बने रहिए मेरे साथ और देखिए फेशियल, फटाफट से देखते हैं। और 4 स्टेप में है तो वन बाय वन आपको सारी वीडियोस बताती जाऊंगी, मैं करती जाऊंगी। तो सबसे पहले अपने फेस को मैं कर रही हूँ क्लीन, तो चलिए देख लेते हैं क्लीन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ फेशियल, मैं कर रही हूँ मिल्क फेशियल, तो मिल्क पाउडर फेशियल कर रही हूँ एक्चुअली मैं अपने फेस पर, क्योंकि मेरे फेस पर टैनिंग हो रही है, तो मिल्क से टैनिंग दूर हो जाती है। और अभी चल रहा है रेनी सीजन, तो उसके लिए फेशियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो मैं सबसे पहले इसमें ले रही हूँ मिल्क पाउडर, और मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ एवरीडे का, नेस्ले एवरीडे का मिल्क पाउडर ले रही हूँ। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हो, ये मैं ले रही हूँ 1 स्पून एवरीडे मिल्क पाउडर। तो फ्रेंड्स मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है, और सेकंड में ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी पाउडर फुल अर्थ। तो ये दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसमें वाटर डाल के मैं स्क्रबिंग के लिए, मतलब क्लिनजिंग के लिए ये तैयार कर लूँगी। तो मैं इसको रख देती हूँ, उसके बाद में डालूँगी मैं सब। तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। और अगर आप चाहें तो आप अगर सिंपल पानी नहीं डालना चाहते हैं तो आप रोज़ वाटर के साथ इसको प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आप रोज़ वाटर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो मैं सादा पानी डाल सकते हो, नॉर्मल वाटर जो रहता है वो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिल्क पाउडर से जब हम फेशियल करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, तो आपकी स्किन एकदम स्मूथ और क्लीन हो जाती है, क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छी इससे क्लीन होगी आपकी, और आप इस फेशियल को ज़रूर करिएगा। तो सेकेंड देख लेते हैं किस तरह से प्रिपेयर करना है, और चलिए इसको मैं मिलाकर और फिर आपके सामने क्लीन करती हूँ अपने फेस को, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि क्लींजर कैसे बनाना है, फेस को क्लीन कैसे करना है, ये मैं दिखाऊंगी अब। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी मिलाई है, तो फ्लजर बहुत ही अच्छी होती है फेस के लिए। आपके स्किन में अगर मतलब फेस से ऑयल निकल रहा है, मतलब ऑयली, ज़्यादा ऑयली है, तो इससे ये स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी। इसलिए मैं पहले इससे क्लीन कर रही हूँ मिल्क पाउडर डाल के और मुल्तानी मिट्टी डालकर। तो मैं क्लीन कर ले रही हूँ अच्छे से अपने फेस को। ये आपको 2 मिनट्स के लिए आपको ये लगाना है, और अच्छे से मलते रहिए, इसी तरह से मसाज करते रहिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए।
इसके बाद भी लगा सकते हो क्योंकि मैंने इसमें मिल्क यूज़ किया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना इसके पास भी आप कर पाएंगे। ये सारी स्किन सूटेबल है, आप सभी लोग इसको कर सकते हैं, ये वाला जो फेशियल बता रही हूँ मैं। और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको 3 दिन का टाइम तो लगता ही है कोई भी फेशियल करेंगे तो। तो मैं ये फेशियल हैंड पर भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये फेशियल करना, इस वजह से मैं हैंड पर भी कर लेती हूँ। कितनी फनी लग रही हूँ, चलिए कोई बात नहीं। तो 2 मिनट बाद में मिलती हूँ, वॉश करने के बाद मिलूंगी मैं आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है और इसको अच्छे से ड्राई कर ले रही हूँ। लाइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कभी डार्क दिखने लग जाता है, कभी सही दिखता है, पता नहीं क्यों। तो ये देखिए मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है। तो अब इसके बाद मैं करूँगी स्क्रबिंग। तो सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग, तो स्क्रबिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाना है। चलिए देख लीजिए स्क्रबिंग कैसे बनानी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाऊंगी स्क्रब करूंगी अपने फेस को। तो मैं स्क्रबिंग के लिए ले रही हूँ मिल्क पाउडर, और मैंने एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया था क्लींजिंग के लिए, तो ये भी मैं स्क्रबिंग के लिए भी मिल्क पाउडर ले रही हूँ। और ये मैं ले रही हूँ एवरीडे मिल्क पाउडर, और आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हो। और मैं ले रही हूँ शुगर ले लीजिए आप, थोड़ा ही ऐड कीजिए। और फिर लूँगी मैं ये, मैं पैरासूट ऑयल ले रही हूँ आपके, आप बादाम ऑयल भी ले सकते हो, जो ऑयल लेना है आपको, स्वीट बादाम ऑयल भी ले सकते हो, या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो, जो लेना हो आपकी मर्जी है। तो इसको भी मैं मिला लेती हूँ, इतना ही मिलाऊंगी, इनफ है इतना। और चलिए अब इससे स्क्रबिंग कर लेती हूँ अपने फेस पर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि स्क्रबिंग मैंने कैसे बनाई है, और ये है स्क्रबिंग। तो फिर अब मैं इसको मिला लेती हूँ, मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से। ये कोकोनट जो ऑयल है इसमें, ये आपकी स्किन को ग्लो भी प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है। और ये जो स्क्रबिंग आप करेंगे, बहुत ही हल्के हल्के हाथ से ऐसे इस तरह से सर्कुलर मोशन में कीजिए, इस तरह से बहुत ही हल्का हाथ रखिएगा, ज़्यादा ज़ोर से मत कीजिए क्योंकि इसमें मैंने चीनी यूज़ की है, तो चीनी से भी अच्छे से एक्सफोलिएट होता है आपका फेस। तो 2 या 3 मिनट आप जैसा आपके, मतलब ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं आपको, ज़्यादा डेड स्किन है आपके फेस पर, तो उतनी देर आप कर सकते हो। जितनी भी डेड स्किन है आपकी सारी निकल जानी चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल माइल्ड होकर बिल्कुल अच्छे से स्क्रबिंग करनी है आपको, बिल्कुल हल्के हाथ से जेंटली रहना है, एकदम हार्श नहीं करना है आपको, नहीं
दी तो आपकी स्किन पे रिंकल्स आ सकते हैं, स्क्रैच पड़ सकते हैं इस वजह से, क्योंकि बारिश के सीजन में यहाँ नोज के आजू बाजू सब जगह ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं, किसी को फोरहेड पर भी होते हैं बट मुझे नहीं है क्योंकि मैं स्किन हमेशा क्लीन रखती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे 2 से 3 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने स्क्रबिंग कर ली है और मैंने फेस को वॉश कर लिया है अपने। तो थर्ड जो है वो है मसाजिंग। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मैंने मसाजिंग की कैसे क्या बनाया है और देखते हैं कि मैंने मसाज के लिए कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं। तो देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, अब मैं बना रही हूँ मसाज के लिए क्रीम। तो मैं सबसे पहले लूँगी मिल्क पाउडर, 1 स्पून मिल्क पाउडर ले रही हूँ मैं। और हनी ले रही हूँ मैं ले रही हूँ डावर का हनी। आपके पास जो भी हनी है, अगर आपके पास पतंजलि का हनी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ले रही हूँ डावर का हनी। उसके बाद मैं लूँगी रोज़ वाटर। तो मैं ले रही हूँ BLCC का रोज़ वाटर। तो ये रोज़ वाटर मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी मैं इसको भी यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर डाबर का यूज़ करती हूँ बट ये मैं अभी कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ तो मैंने सोचा इसको ही यूज़ कर लेती हूँ। इसमें आपके पास डाबर का है तो आप डाबर का यूज़ कर लीजिए। मैं इसको डाल रही हूँ। और फिर मैं इससे मसाज करूँगी, बहुत ही अच्छे से मसाज कर लेनी है आपको। इस ये जो पेस्ट बन गया है बहुत अच्छे से इसको मिक्स करिए, उसके बाद आप मसाज करिए अपने फेस पर। इतनी अच्छे से मसाज होगी ना फ्रेंड्स तो ग्लो भी बहुत अच्छा आएगा और ये फेशियल आपकी स्किन को बहुत ही ब्राइट कर देगा। 3 महीनों के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा फेशियल किया है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं, मसाजिंग करते हैं 10 से 15 मिनट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है इसमें और ये देखिए इस तरह का कुछ बन जाएगा ये। तो आप इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, उसके बाद अपने फेस पर हल्का हल्के से इसे मसाज कीजिए। फ्रेंड्स, इससे मसाज आपको 15 से 20 मिनट करनी है। 15 से 20 मिनट आप मसाज करोगे फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छा काम करेगा ये। आपके 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा फेशियल का, स्किन ग्लो करेगी। और अभी भी आप देख रहे होंगे, अगर मेरा कैमरा कैप्चर कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन थोड़ा तो कुछ ठीक हुआ है क्योंकि मुझे टैनिंग भी हो रखी है, हो जाती है कभी कभी टैनिंग क्योंकि कभी धूप रहती है। तो इस तरह से इस तरह से मसाज करना है, लगा लीजिए पूरे फेस पर। अच्छे से मसाज करनी है आपको, देख लीजिए मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, कितना अच्छा सा दिख रहा है फेस, एकदम शाइनी दिख रहा होगा। तो आप आईज के नीचे भी इस तरह से मसाज करिए, हल्के बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से करिए। मतलब आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं इस तरह से। आपकी स्किन रिलैक्स होनी चाहिए, आप जितना अच्छे से मसाज करेंगे आपकी स्किन उतनी अच्छे से वर्क करेगी, आपका फेस अच्छे से मतलब आपकी स्किन अच्छे से बिहेव करेगी। इसी तरह से मसाज करनी है आपको क्योंकि रिंकल ना आए इस वजह से
इस तरह से आइस के नीचे नीचे मसाज के लिए नोज को इस तरह से ऐसे करिए। फोरहेड पर हमेशा इस तरह से मसाज करनी है आपको, इस तरह से। मैंने स्टेप आपको पहले वाले वीडियो से बता रखे हैं, उसी तरह से मसाज करिए। से 20 मिनट बहुत अच्छे से मसाज करनी है आपको। जितना आप मसाज में टाइम लगाएंगे ना, उतनी अच्छी आपका फेस होगा, उतना अच्छा आपका फेशियल होगा फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपसे 10 से 15 मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने मसाज कर ली है और मेरा फेस देख लीजिए आप, कितना अच्छा क्लीन हो गया है और कितना अच्छा दिख रहा है। तो अब पैक बना लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि पैक कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले वो मसाज के लिए मैंने क्रीम यूज़ की थी और मैं थोड़ी सी इसके लिए भी यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 स्पून लिया है मिल्क पाउडर और हनी ले लिया है, इसमें 1/2 स्पून होगा हनी। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ग्राम फ्लोर मतलब कि बेसन, बेसन यानी कि चने का आटा इस्तेमाल करूँगी मैं। तो ये पैक बना रही हूँ मैं इस वजह से, तो इतना ही वो काफ़ी है। बेसन थोड़ा और ऐड कर लेती हूँ। तो ये ऐड कर रही हूँ मैं, उसके बाद मैं ऐड करूँगी पतंजलि का एलोवेरा जेल। आपके पास जो भी हो, आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पतंजलि का यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास जो कंपनी का है आप वो यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मैं इसको डाल लेती हूँ, 1 स्पून डाल लीजिए, तो बस इतना ही डालना है मुझे। और मैं इसमें डालूंगी कर्ड, 1 स्पून कर्ड डालना है। तो मैंने 1 स्पून इसमें कर्ड डाल दिया है। और इसमें आप लेमन भी डाल सकते हो, मैं एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ। तो मैं एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ, ये लेमन एसेंशियल ऑयल है, आप लेमन भी डाल सकते हो, पर मेरे पास एसेंशियल ऑयल था तो मैंने सोचा ये डाल लेती हूँ पैक में। तो बहुत ही अच्छा काम करता है, आपकी स्किन क्लास स्किन हो जाती है अगर आप इसको डेली वेयर में डेली यूज़ करते हो अगर कोई भी एसेंशियल ऑयल। तो चलिए मैं डालती हूँ और पैक दिखाती हूँ आपको किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो आपको चाहिए तो इसका परचेस लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं इसको 2 से 3 ड्रॉप डाल दूंगी। आ नहीं रहा है फ्रेंड्स, ये डालती हूँ। चलिए डालती हुए फिर मिलती हूँ आपसे, कैसे लगाना है ये तो पता ही है लेकिन फिर मैं दिखा देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देख लिया है आप लोगों ने कि मैंने पैक किस तरह से बनाया है, किस तरह से अप्लाई करना है इसको, मैं ये भी दिखा देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें दही लिया है जो कि टैनिंग को बहुत अच्छे से रिमूव करता है, और मिल्क तो पता ही है आपको लैक्टिक एसिड होता है इसमें, और मिल्क दही में भी लैक्टिक एसिड होता है, तो बहुत ही अच्छे से काम करती है ये सारी चीज़ें। और मैंने इसमें लिया है बेसन लिया है मैंने, जो कि बहुत ही अच्छा है, ग्राम फ्लोर मतलब कि चने का आटा, मतलब सब चीज़ बता देती हूँ मैं क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं तो नहीं पता रहता है, तो इसलिए बता देती हूँ मैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा ये पैक, और ये पैक को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए इस तरह से, इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। मैं हैंड से ही लगा लूँगी और मैं कोई ब्रश व्रश से नहीं लगाने वाली हूँ इस वजह से। तो देखिए मेरा
मैंने इस तरह से लगा लिया है और इसमें मैंने हनी भी यूज़ किया है और मैंने मसाज में भी हनी यूज़ किया था। तो हनी आपको पता ही है आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा बूस्ट करता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, क्लियर बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। और जो मैंने इसमें यूज़ किया है आप जो लेमन का एसेंशियल ऑयल भी यूज़ किया है मैंने, तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा और आपकी स्किन बिल्कुल ग्लॉसी ग्लॉसी हो जाएगी। मैं इधर नहीं लगा रही हूँ, बाद में लगा लूँगी नेक पर। तो अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो मैं अब इसको वॉश कर लेती हूँ इस पैक को। तो आप देख लीजिएगा कितना ब्राइट हो जाएगा फेस। और चलिए फटाफट से मैं वॉश कर कर आती हूँ। सबसे पहले तो अपने जो फेस है वो अच्छे से क्लीन कर लूँ मैं, फिर मैं मिलती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स मैंने वॉश कर ले रही कर कर आ गई हूँ और मैं अपने फेस को वेट फेस को पोंछ लेती हूँ, ड्राई कर ले रही। तो आप देख लीजिए मेरा फेस कितना अच्छा हो गया है और कितना ब्राइट हो गया है, और जितना भी कुछ भी हो रहा है बट 3 दिन बाद इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं इसके बाद क्या करती हूँ मैं ये बताती हूँ। मैं सबसे पहले तो अपना जो भी कोई फेशियल होता है तो मैं करती हूँ नाइट में। तो नाइट में करने के बाद फिर मैं लगाती हूँ टोनर, जब पूरा फेशियल हो जाता है फेस वॉश के बाद, मतलब नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद मैं अपने फेस पर लगाती हूँ नीम एंड तुलसी टोनर, क्योंकि मेरे जो ओपन पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाए। इसके बाद मैं इसको ड्राई होने देती हूँ 2 मिनट्स के लिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो हैंड से। और ये जो टोनर है फ्रेंड्स, तो ये अभी जो रेनी सीजन है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इस वजह से मैं ये टोनर का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए पता नहीं मुझे ये कैप्चर कितना करता है। और मैं अभी फेस पर क्रीम भी अप्लाई कर लूँगी, बट अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, तो मेरे पास अभी लिप बाम है, तो लिप बाम ले रही हूँ मैं मेबलिन का। लेकिन मेरा फेस एकदम क्लियर हो गया है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लग रहा है और हेल्दी भी लग रहा है, मतलब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रही है, ग्लो भी कर रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जैसे ही आप हिट करेंगे तो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आपके पास न्यू वीडियो का। तो फ्रेंड्स मुझे पता नहीं कैसा तो भी लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही मुझे। तो चलती मिलती हूँ मैं आपसे, और चलिए फ्रेंड्स बाय, और मिलूँगी मैं आपसे न्यू वीडियो में। आज के लिए इतना ही, कल मिलूँगी फिर मैं आपसे, फिर मिलती हूँ आपसे। और ये मेरा गीला हो गया है, चेंज कर लूँगी। तो मुझे अपना फेस बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और अगर आप टेंटेड नहीं लगाना चाहते हैं लिप बाम, तो आप नॉर्मल लगा सकते हो, जो वाइट वाली आती है वो लगा लीजिए। मेरे पास जो अवेलेबल थी यहाँ पर तो मैंने वही लगा ली। तो अभी मैं क्रीम भी लगा लूँगी, अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पर, क्रीम लगा लूँगी, नाइट क्रीम लगा लूँगी या फिर सीरम लगाऊँगी कोई भी। आजकल मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स के, गुड वाइब्स प्लस का यूज़ कर रही हूँ मैं सीरम। तो चलिए फटाफट से मिलती हूँ मैं बाद में आपसे। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय, लव यू ऑल।